नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी सरकार आजादी के गुमनाम नायकों को सम्मानित करेगी और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के उन दीवानों को मोदी सरकार याद करेगी जो आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। मोदी सरकार ऐसे नायकों को सम्मानित भी करेगी और इस कड़ी में सरकार गुमनाम नायकों के स्वाधीनता संग्राम में योगदान को रेखांकित करेगी और कई कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। बोलू चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख सत्य यादव को आयोग के सामने पेश होकर ये बताने के लिए कहा है कि उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने अपनी पहचान का खुलासा किया था। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की थी और बाद में उन्होंने ट्विटर पर लड़की के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और ऐसे में फेसबुक के साथ भी जुड़ा हुआ है। बता दें, दिल्ली के एक शमशान में कूलर से पानी लेने गई लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके शरीर का जबरन एक शमशान में अंतिम संस्कार भी किया गया, जिसने झूठा दावा किया था कि उसे बिजली का झटका लगा था। आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग को लेकर पीड़िता के माता पिता सहित सैकड़ों स्थानीय लोग राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केरल और असम में कोरोना के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 16 अगस्त को राज्यों का दौरा करेंगे। ऐसे में जानकारी के अनुसार वो 16 अगस्त को केरल दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो वहां पर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही इसके अगले ही दिन वो असम का दौरा भी करेंगे। साथ ही बता दें, इस दौरान मंडाविया इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। मनसुख मंडाविया अपने दौरे के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी मुलाकात कर हालातों का जायजा लेंगे और इस दौरान वो यहां के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ केरल भी पहुंचेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा शुक्रवार को 13 नगर निगम क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है और बता दें, वो फ्लॉप शो बनकर रह गई है। सिद्धू ने पटियाला नगर निगम क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बैठक में बुलाया था, लेकिन ना तो सीएम पहुंचे और ना ही उनके समर्थक मंत्रियों ने ही बैठक में कोई रुचि दिखाई। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल और ओपी सोनी बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, जबकि बलबीर सिंह सिद्धू कुछ ही मिनट में बैठक छोड़कर चले गए। ऐसे में चंडीगढ़ से पंजाब कांग्रेस भवन में शुक्रवार को यह बैठक 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ही करीब 1.25 घंटा देरी से वहां पर पहुंचे। बैठक में कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, श्याम सुंदर अरोड़ा, कुलजीत सिंह नागरा के अलावा राजेंद्र बेरी, अमित विज, परगत सिंह और अश्वनी सेखड़ी समेत करीब दर्जन भर विधायक ही उपस्थित रहे। बैठक फ्लॉप होने का मुख्य कारण ये रहा कि पार्टी प्रधान ने आनन फानन में बैठक को बुलाई थी और उसका कोई एजेंडा भी नहीं तय किया गया था। साथ ही बैठक में पहुंचे किसी भी मंत्री और विधायक को ये मालूम ही नहीं था कि बैठक किस उद्देश्य या एजेंडे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। ऐसे में पार्टी प्रधान सिद्धू ने स्थिति संभालने का प्रयास करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन बैठक के दौरान घोषित एजेंडे के बारे में कोई भी विधायक तैयारी करके नहीं पहुंचा था और पूरी बैठक हल्की फुल्की चर्चा तक ही सिमट कर रह गई थी।
कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने ढील दे दी है। इसी के तहत शनिवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, यानी कि आज से पूरे यूपी में शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी कि बाकी दिनों की तरह शनिवार को भी लोग अपने जरूरी काम निपटा सकेंगे। हालांकि योगी सरकार ने अभी रविवार को लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। दरअसल यूपी में कोरोना के मामलों में काफी हद तक कमी देखी जा रही है, और जिसको देखते हुए कोरोना के मामले रोजाना अब सिर्फ ढाई काफी कम संख्या में ही आ रहे हैं, और इसको देखते हुए सरकार ने जनता को ये राहत देने का फैसला लिया था। बता दें इसके तहत अब सिर्फ रविवार को ही वीकेंड लॉकडाउन के तहत दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, और नए आदेश के मुताबिक अब सोमवार सुबह 6 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत होगी। ऐसे में राज्य सरकार ने जुलाई में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक बाजार, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन थे। लेकिन ऐसे में अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और शनिवार को अब सभी चीजों को खुलने की इजाजत दे दी गई है, यानी कि शनिवार को वो सभी चीजें खुली पाई जाएंगी जो पहले शनिवार और रविवार को बंद होती थी, और अब सिर्फ तालाबंदी जो है प्रदेश में सिर्फ रविवार के दिन ही रहेगी, और सिर्फ रविवार को ही बाजार और बाकी चीजें बंद होंगी, यानी कि सोमवार से शनिवार तक सभी चीजें अब खुली मिलेंगी। इतनी देर से कमेंट ही तो कर रही थी। और साप्ताहिक तालाबंदी का ऐलान किया था, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था। सैटरडे और संडे पूरी तरह से यूपी में सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे यूपी में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, वैसे ही अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, और योगी सरकार ने कहा है कि अब शनिवार को भी बाकी के और दिनों की तरह सभी चीजें खुलेंगी, यानी कि बाजार और लोग अपने सभी तरह के काम अब शनिवार को भी निपटा सकेंगे। हालांकि पहले शनिवार और रविवार दोनों ही दिन सभी चीजें बंद रहती थी, बाजार हो या फिर अन्य लोगों से जुड़ी सुविधाएं हो, चीजें हो, वो सभी तरह की गतिविधियों पर रोक थी, लेकिन अब सिर्फ ये रोक रविवार को होगी, शनिवार को सभी चीजें खुली रहेंगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया की नजरें अब 2024 के पेरिस ओलंपिक पर हैं। पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे बजरंग पुनिया ने कहा है कि बेशक उन्होंने कांस्य पदक जीता है, पर एक स्वर्ण पदक वो खो दिया है। बजरंग पुनिया ने बताया कि सेमीफाइनल में हार हुई तो रात में वो सो नहीं पाए थे, बस सोचते रहे कि क्या गलती हो गई और क्या किया जा सकता था। बजरंग पुनिया ने कहा कि साल 2024 के पेरिस में ओलंपिक के लिए वो अब जुट गए हैं और तैयारियां कर रहे हैं, और उनका प्रयास है कि वो 2024 में स्वर्ण पदक लेकर आए। और ऐसे में बजरंग पुनिया ने बताया कि वो ओलंपिक शुरू होने से पहले रूस में ट्रेनिंग भी कर रहे थे, और अभ्यास के दौरान उनको घुटनों में चोट लग गई थी। कुछ समय तो उनको प्रशिक्षण में परेशानी हुई, पर रूस में ही एडवांस रिकवरी सिस्टम के माध्यम से बजरंग को चोट से उभारने का प्रयास किया गया, लेकिन उस समय तक ओलंपिक शुरू हो चुके थे। ऐसी स्थिति में उनको ऐसे ही मैदान में उतरना पड़ा था, और फिर जब उनको कांस्य पदक उन्होंने जीता उसके बाद वो रात भर नहीं सो पाए, और ऐसे में बस वो यही सोचते रहे कि क्या कमी रह गई, किस तरह से उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। और अब एक बार फिर से उनका जोश काफी हाई है, और 2024 के लिए वो तैयारियां उन्होंने पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है साल 2024 में उसकी तैयारियां अभी से शुरू करती हैं, ताकि उस ओलंपिक में कोई भी कमी ना रह जाए और वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आए।
जातीय जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार का पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखवाना कामयाब नहीं रहा। दरअसल पीएम ने सीएम की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना को लेकर 2 अगस्त को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक समय नहीं मिला है। ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार को इस मसले पर एक्शन लेना चाहिए। और कर्नाटक सरकार ने अपने बलबूते जाति जनगणना कराई है, हम उसे मंगवा रखे हैं और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से जातीय जनगणना करानी चाहिए, और ऐसे में जातीय जनगणना नहीं हुई तो हम धरना भी देंगे। तो बता दें, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति काफी जोरों पर हो रही है। ऐसे में वेट एंड वॉच के मूड में जेडीयू नजर आ रही है, और सीएम ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उस चिट्ठी का पीएम की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही बता दें, कर्नाटक सरकार ने भी अपने बलबूते जातीय जनगणना कराई थी और हम उसे मंगवा रहे हैं। ये सीएम नीतीश की तरफ से कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि उसे मंगवा कर उसका अध्ययन भी किया जाएगा, और अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से जातीय जनगणना करानी चाहिए। और ऐसे में लगातार सियासत इस मामले पर देखी जा रही है। असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। इसमें किसी भी मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गौमांस की खरीदी बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बिल पारित होने के बाद कहा कि हम विधेयक में संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष समुचित तथ्यों के साथ नहीं आया, और पारित विधेयक कुछ नहीं बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है, और दावा किया है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून किसी को भी गौमांस खाने से रोकने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति ये खाता है उसे दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार हों, मुसलमानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी विवाद के बीच कंपनी ने अब बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कंपनी ने अब भारत में किसी निदेशक को रखने का फैसला नहीं किया है, और ऐसे में ट्विटर इंडिया को अब एक नेतृत्व परिषद द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसके प्रमुख अधिकारी ट्विटर को रिपोर्ट करेंगे। और ऐसे में ट्विटर इंडिया ने शुक्रवार को मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को इस पद से हटा दिया है, यानी कि अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए अमेरिकी में ऑपरेशंस वो संभालेंगे, और ऐसे में कंपनी ने खुद ही ये जानकारी साझा भी की है। बता दें, मनीष माहेश्वरी ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर साल 2019 से बने हुए थे। कंपनी ने अमेरिका में रेवेन्यू स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस में सीनियर डायरेक्टर के पद पर उन्हें नियुक्त किया है। ऐसे में ट्विटर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट यूसेन ने ट्विटर पर माहेश्वरी की नई भूमिका के लिए स्वागत किया और बधाई भी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 2 साल से ज्यादा ट्विटर इंडिया में लीडरशिप के लिए धन्यवाद। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन को मिक्स करना जोखिम भरा फैसला हो सकता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा है कि कोरोना के 2 अलग-अलग टीकों का मिलाना एक बहुत ही जोखिम भरा निर्णय है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं टीकों के मिश्रण के खिलाफ हूँ, और अगर मिश्रण किया जाता है और परिणाम अच्छे नहीं आते हैं तो वैक्सीन निर्माता परिणामों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वैक्सीन प्राधिकरण कभी भी इसे पूर्ण स्वीकृति नहीं देगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जोखिम भरा निर्णय है, ये समय की बर्बादी है, और जब एक टीका काम कर रहा है तो हमें इसे क्यों मिलाकर और ज्यादा जटिलताएं पैदा नहीं करनी चाहिए, हमें इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं। तो बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पूनावाला ने यह दावा किया है कि वैक्सीन को मिक्स करना
खतरनाक हो सकता है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से ये खबरें सामने आ रही थी, ये स्टडीज की जा रही थी कि अगर वैक्सीन को मिक्स करेंगे तो हो सकता है कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है वो काफी हद तक कम हो जाए, लेकिन उसके बाद ये कहा गया है कि ये खतरनाक हो सकता है अगर वैक्सीन को मिक्स किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मंदोला को भस्म आरती से ठीक पहले महाकाल दर्शन कराने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोक दिया गया था। इसको लेकर पुजारियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बता दें भस्म आरती के दौरान वहां पर काफी हंगामा हुआ। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय और उनके बेटे वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस समय आरती का समय था, भस्म आरती का समय हो गया था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मौजूद थे, इसीलिए पुजारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे नाराज पुजारियों ने वहां पर काफी हंगामा किया। दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारी और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। 14 अगस्त यानी कि आज रात 11 बजे से नोएडा से दिल्ली में किसी भी तरह के माल वाहक और कमर्शियल वाहनों की एंट्री नहीं की जाएगी। भारी, मध्यम और हल्के सभी तरह के वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही बता दें 15 अगस्त के कार्यक्रम की समाप्ति तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा, और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है। पुलिस ने रास्ते को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है, और ऐसे में पुलिस के मुताबिक चिल्ला रेड लाइट से दिल्ली में एंट्री कर दूसरी जगह जाने वाली गाड़ियों को चिल्ला रेड लाइट से यू टर्न लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जाना होगा। वहीं डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री को लेकर दूसरे राज्यों में आने जाने वाली गाड़ियों को डीएनडी से यू टर्न लेना होगा, और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर आगे जाना होगा। वहीं जरूरत पड़ने पर अन्य गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। मुंबई पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर को व्हाट्सएप पर धमकी दी है। दरअसल सूत्रों ने बताया है कि इस बात की शिकायत नार्वेकर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की है, जिसके बाद ये मामला जांच के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नार्वेकर को एक अज्ञात फोन नंबर से व्हाट्सएप आया था, जिसमें कुछ मांग लिखी थी, और इसके अलावा उसने एक की भी दी कि अगर वो इनकी मांगों को नहीं पूरा करेंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए या फिर दूसरी केंद्र सरकार की एजेंसियों से जांच कराई जाएगी और उन्हें फंसाया जाएगा। इस व्हाट्सएप मैसेज के मिलते ही नार्वेकर ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले को दी और फिर लिखित में शिकायत भी दी। आपको बता दें कि नार्वेकर शिवसेना के सेक्रेटरी हैं और ठाकरे परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। उस दौरान बता दें 477 लोगों की जान चली गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी, और ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। बता दें इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। वहीं एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में शुक्रवार को 2521 एक्टिव केस बढ़े, ये बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा थे। वहीं 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, और बता दें अभी भी 3,81,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए हैं, जहां 20,452 लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। यहां पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं, और इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए थे।
महाराष्ट्र में एंट्री के लिए अब आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या फिर 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर दोनों नहीं किया तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को 2 शर्तों में से 1 का पालन करना होगा। पहली शर्त है कि जो लोग महाराष्ट्र जाना चाहते हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। इसमें वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी होगा। यानी कि अगर आज या कल आपने वैक्सीन की दोनों डोज पूरी की है तो अभी आपको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिल सकती। दूसरी शर्त के मुताबिक 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी दिखानी होगी। इसके अलावा दोनों में से किसी भी एक की भी शर्त को पूरा नहीं करने पर 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। तो बता दें, कोरोना के मामले जिस तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब बाहर से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को या तो कोरोना की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा एंट्री करने के समय पर, और दोनों डोज दूसरी डोज लिए हुए भी 15 दिन का समय अगर हो गया है तभी आपको कोरोना बता दें महाराष्ट्र में एंट्री मिल सकेगी। और अगर आपने दोनों डोज नहीं ली है तो 72 घंटे पहले का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको महाराष्ट्र में एंट्री मिल सकती है। और अगर ये दोनों ही शर्तें नहीं मानी तो 14 दिन के लिए महाराष्ट्र में ही क्वारंटीन रहना होगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ रहती है जैसे होटल, लॉन्च, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ढाबे, मॉल जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई है। DIG इरशाद वली ने लोगों से अपील की है कि कोई भी लावारिस वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए, साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करने की बात भी कही गई है। वहीं राजधानी की सीमाओं पर आने जाने वाले वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। रेलवे और बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है, और जो भी व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है उससे पुलिस कर्मियों द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। वहीं हैकिंग का भी खतरा है तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अन्य प्रदेशों में भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। वहीं रायपुर से आने वाले सभी गाड़ियों की भी चेकिंग लगातार की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही यहां पर पुलिस ने ग्रेनेड और डेटोनेटर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को डोडा जिले के टांटा जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान समूह और अन्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने तहसील कहारा के टांटा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया और हथियारों का जखीरा जब्त किया है। डोडा के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने बताया कि उनकी टीम ने टांटा जंगल में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, हथियार समेत गोला बारूद बरामद कर लिया है। वहीं डोडा में सेना पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार शाम कहारा में टांटा जंगलों में एक तलाशी अभियान शुरू किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।